अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। औरत सिन्फ नाजुक है और इसके अंदर तहम्मुल की, बर्दाश्त की सलाहियत अल्लाह ने कम रखी है। ये जज्बाती बहुत है और उन्हीं जज्बात की वजह से, तहम्मुल की और बर्दाश्त की सलाहियत कम होने की वजह से औरत को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और जज्बात में आकर, गुस्से में आकर बड़े बड़े फैसले एकदम लेने पर उतर आती है। किसी औरत को, अगर आपके घर की किसी औरत को, आपकी बीवी, बहन, बेटी, वालिदा को गुस्सा आ जाए तो फिर इनके गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इनके गुस्से को ख़त्म किया जाए, कैसे इनके गुस्से को काबू किया जाए। चंद टिप्स मैं आपको बतला रहा हूँ औरत के गुस्से को कंट्रोल करने के। अगर आप इस तरीके पर औरत को उसके गुस्से की हालत में डील करेंगे, औरत के उसके गुस्से की हालत में उसके साथ इस तरह बर्ताव करेंगे तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आप उस औरत के गुस्से को ख़त्म कर देंगे और हालात नॉर्मल हो जाएंगे। सबसे पहली बात, औरत को जब गुस्सा आए तो आप खामोशी इख्तियार करें और उसकी बात का जवाब न दें, काउंटर अटैक न करें। आप उसकी बात का जवाब न दें बल्कि जो कुछ भी वो कह रही है गुस्से की हालत में, जज्बात में, उसको खामोशी के साथ सुनते रहें। अगर आपने ये हथियार अपना लिया और आपने ये तरीका अपना लिया कि आप औरत के गुस्से के वक्त अपने आप को खामोश रखे हुए हैं और उस पर काउंटर नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, पलटवार नहीं कर रहे हैं, तो याद रखें आपने आधी से ज्यादा मुश्किल औरत के गुस्से की उसी वक्त हल कर दी है। और अगर आप काउंटर करने लगेंगे, पलटकर जवाब देने लगेंगे तो फिर मसला हल नहीं होगा, फिर बात बढ़ेगी। औरत यही चाहती है और हालात का तकाजा भी यही है कि आप बात पलट करके उसकी बात का जवाब दें। औरत भी ये चाहती है कि आप उसकी बात का जवाब दें, लेकिन आपकी समझदारी ये नहीं है। आपकी समझदारी है कि खामोशी इख्तियार करें और सिर्फ सुनते रहें, काउंटर न करें, जवाब न दें बिल्कुल भी। पहला काम आप ये करें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो औरत के गुस्सा 50% वहीं काबू में आ गया। और दूसरा काम क्या करें, दूसरा काम आप ये कोशिश करें ये जानने की कि औरत को गुस्सा क्यों आ रहा है, उसकी वजह क्या है, और अपने आप उसकी वजह में गौर व फिक्र करके जब आप पहचान जाएं कि वजह क्या है तो उस वजह का जो भी सॉल्यूशन हो, जो भी हल हो, उसको हल करें, उस वजह को दूर करें। अगर अल्लाह ना करे आपकी गलती हो और आपकी गलती की वजह से बीवी, बहन, बेटी, माँ गुस्सा हो रही हो तो फौरन सॉरी बोल दें, माफी मांग लें, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। जब आपकी गलती है तो गलती का एतराफ कर लें। जब आप अपनी गलती का औरत के गुस्से के वक्त उसके सामने एहसास कर लेंगे और एतराफ कर लेंगे तो याद रखें 30% यहां उसका गुस्सा खत्म हो गया और 50% आपकी खामोशी ने कर दिया था, तो 80% से ज्यादा गुस्सा दो ही बातों की वजह से औरत का खत्म हो गया है। गलती तलाश करके उस गलती को मान लें और जो भी वजह हो गुस्सा आने की उस वजह को खत्म करें। और तीसरा काम क्या करें, औरत को गुस्से की हालत में अकेला न छोड़ें। जब औरत को गुस्सा आ रहा हो तो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गुस्सा हो रही है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और घंटे दो घंटे के बाद आऊंगा, हालात नॉर्मल हो जाएंगे। याद रखें ये आपकी समझदारी नहीं है। आपके जाने की वजह से वो हालात, जरूरी नहीं कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही हो जाएं। कभी कभी औरत जज्बात में आकर बड़े संगीन और खतरनाक फैसले लेती है कि फिर पूरी जिंदगी आपको अपने इस अमल पर पछतावा होता है। तो गुस्से की हालत में औरत को छोड़ना नहीं है, ना उसको बाहर जाने देना है, ना खुद को बाहर जाना ले जाना है, उसके साथ रहना है वहीं। ये तीसरा काम है औरत के गुस्से के वक्त उसके गुस्से में को काबू और कंट्रोल में करने का। और चौथा काम ये है कि
उस औरत के गुस्सा होने की जो वजह है उस वजह को जानने की कोशिश करें, और वजह को जानने के बाद जो भी उसका हल हो उसको हल निकालने की कोशिश करें। और अब औरत जब आप ये तीन चार काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से औरत का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। फिर चार छः दिन गुजरने दें, गुजरने के बाद जब हालात नॉर्मल हो जाएं तो अब उसकी पसंदीदा टॉपिक पर उससे बात करें, शॉपिंग के लिए, पिकनिक के लिए, घूमने के लिए कहीं जाना, जो भी उसकी फेवरेट और पसंदीदा चीज़ें हों उस टॉपिक पर उस पर बात करें, और बात करने के बाद उसकी पसंद को पूरा करें। छठा काम ये कर लें, और उसके पांचवा काम ये, और छठा काम आप ये करें कि जब चंद दिन गुजर जाएं और फिर उसके बाद वो जिस वजह से औरत गुस्सा हुई थी, जिस वजह से नाराज़गी हुई थी, उस टॉपिक पर बात करें और बताएं औरत को कि आपके गुस्सा होने की वजह ये थी, ये गलतफहमी थी, आप जो समझ रही थी ऐसा नहीं था, या अगर वजह सही भी थी और आपका गुस्सा होना वजह भी था तो गुस्सा होने का तरीका ठीक नहीं है, आप मुझसे इस काम को ऐसे ले सकती थी, आप मुझसे बैठकर बात कर सकती थी, या आप मुझे पैगाम दे सकती थी और उसको आसानी के साथ हल किया जा सकता था। इस तरीके पर जब औरत की जो गलतियां गुस्से की हालत में उससे हुई हैं, नॉर्मल अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में जब चार छः दिन गुजरने के बाद आप उसके सामने रखेंगे तो मुझे उम्मीद है वो ज़रूर आपकी बातों को सीरियस लेगी, और आगे को ऐसी सिचुएशन और ऐसी हालत इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगी। तो औरत के जज्बात और गुस्से को काबू और कंट्रोल में करने की ये बेहतरीन टिप्स मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।